hello students today we are going to learn solving equation by transposing method so far we have seen addition subtraction multiplication and division step by step procedure we have followed that we have added on both sides we have subtracted on both sides we have multiplied on both sides and we have divided on both sides but now we will turn towards another method and it is called transposing method. So let's start. What is transposing? Changing side is called transposing, means we will change the side of the numbers or variables and it is called transposing. While transposing a number, we change its sign. Very important point. वेन वी ट्रांसपोज ए नंबर जब भी हम नंबर को ट्रांसपोज करेंगे उसका साइन हम चेंज कर देंगे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस ट्रांसपोजिंग अ नंबर दैट इज चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर इस सेम एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग multiply and divide ka rule that is the same but for adding and subtracting this method is transposing method so let us work out with some examples let us take one example x minus 5 equals to 9 now see here minus 5 is there now we no need to add or subtract what we will do? We will change the side of this number 5. We will transpose, just changing side means transpose. So, uh, what we need? We need only variable at the left hand side. हमें वेरिएबल ही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम क्या करने वाले हैं ये जो आपका नंबर है दैट वी आर गोइंग टू चेंज इट्स साइड हम इसको साइड इसका चेंज कर देंगे मींस हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी साइड पे तो इस चेंजिंग साइड को ही क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिंग है. तो माइनस फाइव अच्छा जब हम नंबर चेंज करेंगे उसकी साइड तो उसकी साइन हम चेंज कर देंगे सो लेट्स चेंज एक्स इक्वल्स टू नाइन प्लस फाइव माइनस फाइव हमने साइड चेंज कर दी माइनस फाइव इधर आ गया राइट हैंड साइड पे और उसने साइन चेंज हुआ माइनस से हो गया प्लस तो एक्स की वैल्यू आ गई नाइन प्लस फाइव फोर्टीन और सी हाउ वी हैव सोल्व इक्वेशन इन वेरी इजी मैनर विदाउट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नाउ सी मोर एग्जांपल्स वन मोर एग्जाम्पल्स सी फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल y प्लस थ्री इक्वल्स टू एट नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वन अगेन हम क्या करने वाले हैं इसकी जो प्लस थ्री है इसकी साइड हम चेंज करने वाले हैं ये प्लस थ्री से हम क्या कर देंगे इसकी साइड चेंज करके इधर ले आएंगे हम मींस वी विल चेंज इट साइड एंड इट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग तो वाई इक्वल्स टू एट माइनस थ्री प्लस थ्री इधर आया साइन चेंज हो गया माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू वॉट एट माइनस थ्री फाइव सो सी वी हैव सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिंग मेथड एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग वी आर चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर एंड दिस हैपन्स ओनली इन माइनस एंड प्लस अगर माइनस में है तो आपको उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई में आपको डिवाइड करना है और डिवाइड वाले में मल्टीप्लाई करना है. तो सी वन एग्जाम्पल ऑफ दैट वन ओनली सी सी दर्ड एग्जाम्पल टू 2y माइनस फोर इक्वल्स टू 8. suppose we need to solve this equation we need to find the value of y so first thing we have to remove this minus 4 we will change the side of this 4 minus 4 so we'll write transposing transposing minus 4 when we transpose the sign will change number ki sign change bhi ho to 8 plus 4 so what result we got टू वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व एट प्लस फोर ट्वेल्व अब वॉट इज इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड बाय बोथ साइड नाउ सी मल्टीप्लाई में है तो आपको उसको डिवाइड में ले जाइए और डिवाइड में है तो यू हैव टू टेक हैल्टीप्लीकेशन ट्वेल्व बाई टू टू इंटू वाई This is in multiplication with variable, so it will go in division. So y equals to 12, 2 6 are 12. y equals to 6. So this is the method of transposing. But transposing deals with only minus and plus, adding and subtracting. Transposing means adding or subtracting. Clear, children? Now, what we will do? We will do one more example to illustrate this so let's do let's do one more example 5y minus plus 9 equals to 90 this is one example i have नाउ लेटेस्ट सॉल्व बाई ट्रांसपोजिंग मेथड बोल ली सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस नाइन इज देअर इट विल चेंज इट साइड सबसे पहले आपको ये फाइव मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में नहीं लाना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्लस और माइनस है उसको आपको चेंज करना है वी हैव टू चेंज प्लस और माइनस वन सो प्लस नाइन विल गो देयर वी हैव टू ट्रांसपोज दिस ट्रांसपोजिंग नाइन So let's transpose and while transposing we have to change its sign. So 19 minus 9. So 19 minus 9, 10. Now 5 is in multiplication. So it will go in division. Y equals to 10 by 5. 5 to the 10. So what is the value of y? Y equals to इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड यू कैन चेक टू आप चेक भी कर सकते हैं कि वैल्यू विल गेट फाइव टू टेन टेन प्लस ट्रांसपोजिंग मैथड सी वॉट इज ट्रांसपोजिंग मैथड

Now one more example. See of division. We are not seen the example of division. So let's see one example of division. Suppose uh, we are having number x by nine plus two equals to three. Now see this example. First thing every time what we have to do this plus two. We have to change the side. So change the sign x by 9 3 minus 2. So x by 9, we are we have transposed 2 to write. Right also for some steps? right Transposing 2. So changing the sign also plus becomes minus 3 minus 2 is 1. Now this 9 is in division with the variable. नाइन डिवाइड्स में है वेरिएबल के साथ तो इट विल गो इन मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो नाइन डिवाइड में है तो वेर विल गो मल्टीप्लीकेशन सो एक्स इक्वल्स टू वन इंटू नाइन सो मल्टी डिवाइड वाला कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में होता है तो कहाँ चला जाता है डिवाइड में नाउ नो नीड टू राइट एवरी टाइम मल्टीप्लाई बाय नाइन बोस है हमें जो स्टेप्स वाला नहीं करना है ट्रांसपोजिंग मेथड्स हम कर रहे हैं तो इसमें भी हमको याद रखना है कि मल्टीप्लाई में है तो वी हैव टू

मल्टीप्लाई डिवाइड में देखिए अब नाइन उधर गया तो आपने साइन चेंज नहीं करना है हमें मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन चेंज नहीं होता है सिर्फ प्लस और माइनस में ही आपको साइन चेंज करना है यू हैव टू चेंज साइन ओनली इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट नॉट इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर चिल्ड्रन दिस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सो यू सम एग्जाम्पल्स वी हैव सॉल्ड इट सो आई होप You understood the method transposing method, and you have to work out. We will work out some questions here of exercise also. So, thank you so much for watching this video.